इस वजह से ना मेरे गले में थोड़ा इश्यू होता है। हर नई चीज यही ट्राई करती है। मस्त आ रही है खुशबू तो, और बहुत यम्मी हो रहा है, बता नहीं सकती मैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। थैंक यू बेबी, वेलकम। हमने थोड़ी देर में ना बर्थडे में भी जाना है, डेकोरेशन यहाँ पे कंप्लीट होने ही वाला है, मतलब खाना है उसको। हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग पहला छोटू को मेरा प्यार, कैसे हैं आप सब, आई होप ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया। तो मैं किरण स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल किरण मेरा ब्लॉग्स पे। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं आज के मौसम के साथ। आपको आज का मौसम दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा हो रहा है। तो ये देखो हल्की हल्की सी धूप निकलने को है, बाकी कोहरा साफ हो रहा है। तो मौसम तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज का मौसम कैसा हो रहा है, धूप आ रही है हल्की फुल्की, दो तीन दिन बारिश ही थी लगातार, तो आज फाइनली धूप आ गई है। और करते हैं अपने आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग, फटाफट से पूजा पाठ कर लेती हूँ और उसके बाद जाते हैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। आ गई हूँ मैं किचन में और मैंने आटा भी गूंथ दिया है, आलू छील दिया और प्याज भी कट कर दिया है। अब बनाते हैं पराठे। करने के बाद आ गई हूँ मैं ऊपर रूम पे और अब जो है मैं कपड़े धो लेती हूँ। सुबह मैंने कपड़े ऐसे ही छोड़ दिए थे, पानी बहुत ठंडा हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना दिन में कपड़े धो लूँगी, पानी वानी भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। आजकल दो तीन दिन बारिश हुई थी तो उसकी वजह से पानी बहुत ठंडा हो गया, जैसे बर्फ का पानी होता है ना वैसे ही हो रहा था। तो अब जाके फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ, बाकी मशीन में कपड़े डल चुके हैं और पानी भर दी हूँ मशीन में, फिर कपड़े धोते हैं फटाफट। तो कपड़े अपने मैंने धो लिए हैं और आप देख ही रहे होंगे कि इतनी हवा चल रही है आजकल ना, मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि कब मौसम बदल जाए। अभी धूप है तो थोड़ी देर में बारिश और थोड़ी देर में धूप ऐसी होने में है, इस वजह से ना मेरे गले में थोड़ा इश्यू होता है, तो मैं गले वाला पहने रह रही हूँ आजकल, थोड़ा गले में दर्द हो जाती है। और बाकी धूप में बाल सुखाने जैसा तो है नहीं, तो फटाफट से हेयर ड्रायर से बाल सुखा लेती हूँ और फिर जो भी रहेगा दिन का आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। पहले मैं बाल सुखा लेती हूँ फिर और काम करूँगी। बिना मैं दूध उबाल रही हूँ और ये दूध ना मुझे रोज धोखा देता है, बीच में तीन चार दिन ना रोज दूध उबाल चले गया और मुझे जल्दी से याद आ पड़ा तो फिर मैं फटाफट से यहाँ आ गई दूध देखने के लिए। थैंक गॉड बच गया, अभी उबाल जाने ही वाला था। तो अभी आई है बेबी ऊपर, मैं आपको बेबी से मिलाती हूँ। देखो जमीन में बैठी हुई है, हेलो गाइस, धरती से जुड़े हुए लोग है ना ये। हमारे पास ना तीन चार नारियल पड़े हुए थे तो हमने सोचा उनको फोड़ के अब क्या करें, नारियल का हलवा बना रहे, इसलिए देखो मैं इसे तोड़ रही हूँ। हमने सोचा ये कच्चा नारियल होगा क्योंकि ये जो कच्चा नारियल होता है वही है, लेकिन बहुत टाइम हो गया तो ये नारियल सूख गया है। बाकी नारियल जो है वो पूरा कद्दूकस हो गया है, देखो पूरा अच्छे से मैस हो गया है ये। तो यहाँ पे घी मेल्ट हो गया है और उसमें डाल रहे हैं हम, हमने मूंगफली के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए थे। सर्व कर रही है सबके लिए, yes. एक कटोरी में ऑलरेडी डल चुका है। कैसा हो रहा है फिर? बाकी मैं टेस्ट कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त मस्त। अगली बार भी हम नारियल का हलवा बनाएंगे लेकिन कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, ठीक है? और बहुत यम्मी हो रहा है, बता नहीं सकती मैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। थैंक यू बेबी, वेलकम। चाव से खा रही है, मस्त हो रहा ना। आए हैं मैं बेबी और जोजो, ये देखो। बाकी इसका काम है यहाँ से वहाँ दौड़ते रहना और हमारा काम है इसके पीछे भागते रहना। अब फटाफट से जाते हैं घर, घूम के हम लोग घर को जाते हैं क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर में ना बर्थडे में भी जाना है। आज है नन्नू का बर्थडे, आपने नामकरण वाला व्लॉग देखा होगा, तो आज उसका फर्स्ट बर्थडे है तो हम सब इन्वाइटेड हैं, इसलिए हम जल्दी भी आ गए जोजो को घुमाने के लिए। और अब फटाफट से घर जाते हैं और निकलते हैं बर्थडे के लिए क्योंकि वहाँ पर भी जाना है, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है क्योंकि अभी तक हम गए नहीं है वहाँ, अब डायरेक्ट शाम को ही जाएंगे सोचा था हमने। तो अब जाते हैं थोड़ी देर में फटाफट से, चलो। और ये रहे हमारे भैया और बर्थडे बॉय के पापा, बाकी यहाँ पर नन्नू और ये रही नन्नू की मम्मी, ये लोग बैठे हैं यहाँ पे और सब लोग ऐसे आपस में बातें कर रहे हैं। ये
यहाँ पे लग रहा है कर्टेन गोल्डन और सिल्वर कलर का, प्रीति लगा रही है। बाकी यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं हम लोग, और हवा कितनी तेज चल रही है देखो, पूरा जो टेंट है ना वो उड़ के आ रहा है। इधर को करना, प्रीति आराम से है, कहीं तुम भी उड़ोगे तो हो गया। प्रीति नहीं उड़ेगी। ये वाला पोस्टर भी लगाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, ये देखो, हैप्पी फर्स्ट बर्थडे निखिलेश। डेकोरेशन यहाँ पे कंप्लीट होने ही वाला है, मतलब हमने हैप्पी बर्थडे लगाना बाकी है, इतना लगा दिया प्रीति ने, बाकी मैं इनको पिन देने का काम कर रही हूँ। यहाँ पे सभी बच्चों को टीका लगा रही है अभी, क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ फंक्शन स्टार्ट होता है ना तो सबसे पहले टीके से शुरुआत होती है। बर्थडे बॉय भी आ गया, कैमरामैन बेबी के साथ धौलसीना से नरवा के बर्थडे की स्पेशल लाइव लाइव। भाभी यहाँ पे केक बांट रही है देखो, भाभी के साथ मैं भी हेल्प कर रही हूँ। हम साइड में खड़े होके हेल्प कर रहे हैं। तो आ गई हमें बर्थडे से घर, और मैंने चेंज वगैरह कर लिया है क्योंकि काफी लेट हो गया है, 10 बजने को है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ करती हूँ मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।